अभिषेक कुमार हुए हॉस्पिटल में भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट ने मिलकर अभिषेक कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है और अभिषेक कुमार को दवाइयां भी खिलाई जा रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया अभिषेक के साथ कि सभी घर वालों को अचानक से अभिषेक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। बिग बॉस सीजन 17 से अभिषेक से जुड़ी एक बहुत बुरी और लेटेस्ट खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। क्या हुआ है अभिषेक को, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर जब से समर्थ की एंट्री हुई है, तब से अभिषेक कुमार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। कई बार वो रोते हुए भी नजर आए, चिल्लाते हुए भी नजर आए और सभी घर वाले अभिषेक को समझाते और पकड़ते हुए भी दिखाई दिए। इसी बीच अब आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से खबर आ रही है कि अभी हाल ही में बिग बॉस ने एक टास्क सभी घर वालों को दिया है, जिसमें गार्डन एरिया में एक हॉस्पिटल सा बनवाया गया है और बारी बारी से वहां पर कंटेस्टेंट आएंगे और एक ऐसे कंटेस्टेंट को उसमें भर्ती करेंगे जिनके मुताबिक वो पूरी तरह से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि तहलका भाई ने अभिषेक कुमार का नाम लिया और कहा कि अभिषेक घर के अंदर इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बीमार हैं, काफी अग्रेशन में भी रहते हैं। ज्यादातर कंटेस्टेंट ने यहाँ पर अभिषेक कुमार का नाम लिया, जिसके बाद दवाई के रूप में अभिषेक कुमार को कड़वे नीम का जूस भी पीना पड़ा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि ईशा मालविया सभी घर वालों के अगेंस्ट चली गई और ईशा का मानना है कि अभिषेक बीमार नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो सभी घर वाले अब अभिषेक कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती करवा चुके हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सच में अभिषेक कुमार इस वक्त बीमार चल रहे हैं या फिर नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस सीजन 17 से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।